बताओ, सारे लोग जाइए मूवी देखने। मूवी में स्टार कास्ट 90% बिहार से हैं, मूवी के डायरेक्टर बिहारी हैं, अविनाश दास। मैं उनको उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट बिहार की मूवी है, उनकी प्रमोट बिहार, तो इसी वजह से हम इस बारे में बात करेंगे। आई टॉक अबाउट हु वी आर एंड हाउ वी आर, हाउ वी स्टार्टेड। हु वी आर से पहले बता रहा था, बात करूंगा कि दिस प्लेस एग्जैक्टली लुक लाइक अ स्टार्टअप जोन। एनी स्टार्टअप, 80% ऑफ द स्टार्टअप फेल्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, एंड वी कैन सी दैट 80% लोग जा चुके हैं अभी। तो हमारा स्टार्टअप कल्चर ही दिख रहा है यहाँ कि भैया पहले साल में निकल लो, फेल करते हैं और निकल लो, कट लो यहाँ से। तो वही है हमारा। हु वी आर, एज सर इनिशियली टोल्ड कि यू डोंट हैव टू बी इनोवेटर, यू डोंट हैव टू बी, यू डोंट हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट टू एज अ स्टार्टअप। सो वी आर समथिंग सिमिलर, वी आर नो डिफरेंट। वॉट वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू ऑनलाइन ब्रांड, वन इज बेटर इंडिया एंड द अदर इज योर स्टोरी। टू बी ऑनेस्ट, वॉट दैट वी आर, वॉट इज बेटर स्टोरी, बेटर इंडिया। बेटर इंडिया इज अ वेबसाइट विच सर्व्स पॉजिटिव स्टोरीज जो पैन इंडिया के लेवल पे करती है। वी आर द सेम थिंग विच वी डू एट बिहार। हम लोग सिर्फ बिहार की अच्छी खबरें शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं बिहार को पॉजिटिविटी के एंगल से। वी क्यूरेट पॉजिटिव स्टोरीज, गुड स्टोरीज फ्रॉम बिहार विद द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स अबाउट बिहारी। ये हो गया हु वी आर। वी एक्चुअली अब इससे थोड़ा ज्यादा हो चुके हैं, वी आई लेट यू नो कि हम लोग आगे क्या हुए। व्हाई वी आर, हाउ वी स्टार्टेड, दो तीन रीजन है। एक तो ऑनलाइन कीड़ा था, आउटपुट के टाइम से तो बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करता था सोशल मीडिया पे, तो वो एक पैशन के लेवल पे था, बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करता था, तो वो इसी वजह से एक ये हुआ। दूसरा एक रीजन है कि पटना बीट जो पॉजिटिवी, लाइक वी कैन स्टार्ट अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच कैन सर्व ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज, लाइक माय डियर फ्रेंड अविनाश सर्व्स, ही सर्व्स ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम बिहार, अपना बिहार। वी स्टार्टेड सर्विंग ओनली पॉजिटिव स्टोरीज। व्हाई, आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट, द वेबसाइट नेम इज yourstory.com। इट्स अ वेबसाइट विच हैज कंटेंट विच इज वेरी वेरी गुड। तो कंटेंट वेबसाइट का है वो है दुनिया भर की हर जबान में गालियां, आपको जिस जबान की गाली चाहिए वहां मिल जाएगी। वहां एक एक आपको कैटेगरी है हिंदी, हिंदी में भी एक बड़ा अच्छा शब्द है और वो शब्द है बिहारी। बिहारी वहां गाली, बोलो मैं रोन खड़ा हो रहा था, बिहारी वहां गाली के रूप में लिखा गया। उस गाली का मतलब क्या है मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप लोग जाए और सर्च करें। जब आप जाएंगे तो मेरा भी रोन खड़ा हो रहा है, आप लोग भी देख के आप लोगों की, आई शुड नॉट बी यूजिंग दैट वर्ड, बट आप लोग की भी शायद जलेगी और शायद कुछ करने को दिल करेगा। तो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जहां सिर्फ गालियां लिखी गई हैं और वहां बिहारी एक गाली है। वो मुझे नितिन चंद्रा, जो बिहार के फिल्म डायरेक्टर, बिहार से फिल्म डायरेक्टर जो नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं लास्ट ईयर अपनी फिल्म मिथिला माता के लिए, उन्होंने मुझे दिखाया था। तो मुझे लगा यार ये क्या है, मतलब लोग हमें गालियों में, ठीक है दिल्ली बॉम्बे हर जगह हमें गाली के रूप में लिया जाता है, बिहारी बोला जाता है, बिहारी गाली की तरह यूज की जाती है, बट ये तो रजिस्टर्ड हो गया यार। हम लोग तो मतलब ऑनलाइन स्पेस में वी आर लाइक वी आर स्लैंग, वी आर मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत ही घटिया, बहुत अच्छी मीनिंग है। आप जाके देखेंगे आपके बारे में बहुत खुशी होगी आप लोगों को देखने में कि बिहारी का मतलब क्या होता है उस वेबसाइट के साथ। तो सोचा यार कुछ किया जाए, कैसे किया जाए। तो आई वॉज यूजिंग ऑर्कुट एंड आई वॉज आई हैड ऑर्कुट कम्युनिटीज, आई वॉज इन टू फेसबुक, और फेसबुक पे एक पेज चलाया करता था पटना के नाम से, जो बिहार उस वक्त और अभी भी पटना का सबसे बड़ा फेसबुक पेज है। तो चलाया करता था, सोचा कि व्हाई नॉट यूज दिस सेम थिंग। आई वॉज इन बैंगलोर, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हियर, एंड 2008 आई वेंट बैक टू, आई वेंट टू बैंगलोर, आई डिड माई ग्रेजुएशन देयर, आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन देयर, आई वर्क इन फोर डिफरेंट सेक्टर, फोर डिफरेंट कंपनी, फोर डिफरेंट डोमेन। The last company I was working with was into digital marketing, so I was into digital marketing. So I, why not use the same thing? I was into digital marketing. I am good at social media. I have a Facebook page. Why not use the same thing to do something? So what should I do? So I was very बहुत ज़्यादा पढ़ता तो नहीं था, but I was keen follower of Better India and Your Story. Honestly speaking, not because you are here, I have to say that, but it's a fact. Everybody reads Your Story and Better. I don't know about everybody reads Better India. लोग लॉजिकल इंडियन को ज्यादा जानते हैं, बेटर इंडिया को नहीं जानते हैं। दे आर द सेम थिंग, बेटर इंडिया सर्व्स ओनली पॉजिटिव स्टोरी। तो
हम सर ये वैसे ही कुछ क्रिएट करते हैं। तो यार वेबसाइट बनाई लास्ट ईयर 2015 के सितंबर 24 हमने वेबसाइट लॉन्च की, और मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। हमने पहली स्टोरी की उन्हीं भाई बहनों के ऊपर, नितिन चंद्रा नितिन चंद्रा के ऊपर, और उनने हमारा वेबसाइट लॉन्च किया एक ऑफिशियली फेसबुक पेज से। नीतू चंद्रा जो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है, जिन्होंने ट्रैफिक सिग्नल जैसी मूवी की है, उन्होंने वेबसाइट लॉन्च की द बिग थिंग फॉर मी। और वहां से 2014 2015 सितंबर से अभी फिलहाल वी आर वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन ब्रांड फ्रॉम बिहार। व्हाई? बिकॉज़ वी सर्व ओनली गुड स्टोरीज, लोगों को पसंद आती है, अच्छी अच्छी स्टोरीज करते हैं। और वी मेड श्योर कि हम लोग को 4 लाइन वाली और 5 लाइन वाली और 6 लाइन वाली कंटेंट, बस कि लोग लिंक बेस्ड आर्टिकल नहीं रखें यार, कि लोग खोलें कि टाइटल बड़ा अच्छा लगा और अंदर में कुछ नहीं, अंदर में गोबर लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा, वैसा नहीं। हम लोग सोचे कि नहीं, चाहे दूसरे की भी स्टोरी हो, स्टोरी डिटेल्ड हो, उस इंसान के बारे में हो, उस कल्चर के बारे में हो, उस चीजों के बारे में हो, डिटेल्ड स्टोरीज हो, लोग पसंद करते गए, चीजें बढ़ती गई। तो वी आर लाइक वी अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हो, स्टोरी और बात ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। व्हाट वी स्टार्टेड नेक्स्ट इज वी मेड आवर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज अ ऑनलाइन मीडिया फ्रॉम बिहार। व्हाट नेक्स्ट वी डिड इज वी स्टार्टेड एन ई कॉमर्स वेबसाइट फ्रॉम व्हिच इज फर्स्ट ई ई मर्चेंडाइज स्टोर्स पे हम बिहार। वी स्टार्टेड सेलिंग दिसंबर 24th हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया, जहां हम लोग बिहारी मर्चेंडाइज बेचते हैं, बिहारी कोट बिहारी डिजाइन रिलेटेड मर्चेंडाइज बेचते हैं। वी आर सेलिंग टी शर्ट हुडीज मग्स बैजेस इन सारी, और वो सिर्फ बिहार स्पेसिफिक डिजाइन है फिलहाल। वो देखिए जैसे हम दिल नहीं स्टूडियो टाइप के हो सकते हैं, थोड़ा मार्केटिंग दिखाया जाएगा। सॉरी समथिंग लाइक दिस 100% बिहारी, तो ये लोगों को पसंद आने लगा। तो ऐसे ऐसे चीजें हमने बेचना लगे, 2 महीना हुआ है और वी आर आउट ऑफ स्टॉक। व्हाई वी आर आउट ऑफ स्टॉक? काफी अच्छे डिमांड आने लगे, मतलब 1-2 महीने में इतना ज्यादा। हम बहुत छोटे टीम है, अभी तक हमारे पास ऑफिस नहीं है, मैं अपने बेडरूम से काम करता हूँ, मेरे जितने भी साथ काम करने वाले वो अपने अपने बेडरूम से काम करते हैं, मेरे बेडरूम से काम नहीं करते हैं, वो अपने अपने बेडरूम से काम करते हैं और हम सारे अपने अपने बेडरूम से काम करते हैं। हमारे पास अभी भी ऑफिस नहीं है, वी आर लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन प्लेयर्स। वी स्टार्टेड दिस ई कॉमर्स वेबसाइट और हमारे पास उतनी मतलब बैंडविड्थ नहीं थी कि हम उतना ज्यादा सर्च करें, जिस हिसाब से डिमांड आने लगी। नंबर बात करूंगा बहुत छोटा ही है, फरवरी 15 टू फरवरी 25 के बीच में वी लाइक सोल्ड 35,000 to 40,000 का गुडीज, व्हिच वाज लाइक फेनोमिनल फॉर अस एज अ स्टार्टअप, व्हिच वाज फेनोमिनल। तो उतना हो गया, फिर अब हम लोग तक पहुंचा नहीं पा रहे, लोग अब फ्लिपकार्ट उसको हटाना है, बिहार की सिर्फ ब्रांडिंग करनी है, पॉजिटिव एंगल से स्टोरीज लिखनी है, बिहारी प्रोडक्ट बेचना, ये सब करना, ये चीज है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं अपना स्टोरी सुनाऊं, उससे पहले ये जरूरी है कि मैं आपको यह बताऊं कि apanbihar.com है क्या, व्हाट इज दिस अपन बिहार। अपन बिहार सिर्फ एक पेज नहीं है, नहीं एक साधारण वेब पोर्टल है, और नहीं